गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एट, पार्ट नंबर वन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस वन इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन। कह रहा है रिमाइंडर बताइए, अगर x क्यूब प्लस वन में x प्लस वन से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर बचे रहते हैं, वही आपको बतानी है। तो देखेंगे हम रिमाइंडर वैसे बचेंगे कितने। तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं दिया है कि आप डिविजन में सर्च लगाइए या जो रिमाइंडर तुरंत लगाइए, ऐसा कुछ कहा नहीं है। यहाँ कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम दोनों मेथड आपको बताएंगे, डिवीजन मेथड से भी बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और रिमाइंडर मेथड से भी बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले देखेंगे डिवीजन मेथड से। यहाँ आप देखेंगे आपका डिविडेंड है, डिवाइडेंड है, डिवाइडेड जो है आपका यहाँ x क्यूब प्लस वन ऐसा दिया गया है। इसके बाद डिवाइडेड कितना है, डिवाइडेड इससे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे x प्लस वन से, तो आपका यहाँ टू के एड भी मान लू टू के एड आपका जो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और रिमाइंडर भी आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, रिमाइंडर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आप इसमें एक्स की प्लस वन में डिवाइड करना है एक्स प्लस वन, तो बाई डिविजन मेथड, बाई डिविजन मेथड, तो डिविजन मेथड अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स की प्लस वन डिवाइडेड बाई यस प्लस वन से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने में सबसे पहले ध्यान ये दिया जाता है कि हमें जो है यस क्यूब जो पहला वाला यहाँ वेरिएबल से भी मिलना चाहिए, बाद वाला मिले या ना मिले लेकिन पहला वाला वेरिएबल हमको मिलना चाहिए। इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, यहाँ हमें पहला वाला जो है वेरिएबल से मिलना चाहिए। हमारा काम टारगेट यही होना चाहिए, डिवाइड करके किसी को सॉल्व करके इसमें टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि पहला वाला जरूर मिलना चाहिए और चाहे बाद वाला मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं। तो देखेंगे कि यहाँ x क्यूब है तो इसमें किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, x में किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ हमको x क्यूब मिल जाए। तो हम देखते हैं यहाँ x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे x क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ x इसकी पावर टू है, इसका पावर वन दूर दूर जाएगा क्योंकि जो है यहाँ बेसिस जो है सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, टू और वन मिलकर जो थ्री हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ नीचे माइनस कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका अब नीचे वाले साइन को जो कंसिडर किया जाता है, ऊपर वाले साइन को कंसिडर नहीं किया जाता, नीचे वाले साइन को कंसिडर करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमेशा जो नीचे वाले साइन ही कंसिडर करते हैं साइन चेंज करने के बाद, आप देखेंगे हम माइनस लगाएंगे फिर हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि पहला वाला ये वेरिएबल्स है इस फॉर्म में, अगर निगेटिव फॉर्म में निगेटिव फॉर्म में तो मिलना चाहिए, इसमें ऐसे नंबर ऐसे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करें ये वाला हमें मिलना चाहिए, बाद वाला मिले या ना मिले उससे नहीं मतलब, फर्स्ट वाले हमें मिलना चाहिए। तो हम करते क्या है, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि एक पावर इसकी और एक पावर इसका दोनों मिलाकर जो है दो पावर मिल हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस वन में करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस एक्स। अब करते क्या है, यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा लेंगे और यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स प्लस वन क्योंकि वैल्यूज को पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, नीचे वाले साइन को कंसिडर करते हैं प्लस हम लिखते हैं यहाँ लिखते। आप देखिए ये हो जाएगा प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमें एक्स मिल जाएगा आसानी से, अगर यहाँ कोई वेरिएबल नहीं होती इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं मिलता, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब दोनों की साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है प्लस मान जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस कर देंगे
ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, रिमाइंडर आपका मिल जाएगा क्या जीरो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा मिला क्या जीरो, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो यहाँ हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख दीजिए या बाई बाई लेवल रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो भी जीरो ही मिलेगा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखिए अब यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो ऐसे लिख दीजिए, पहले देख लीजिए पी एस इक्वल टू पाई नाम लेंगे तो पी एस हम इसको डिनोट कर सकते हैं, पी एस इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा ठीक। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि डिवाइडर ऑफ डिवाइडर है क्या एक्स प्लस वन, ये आपका डिवाइडर है जीरो ऑफ जीरो एक्स प्लस वन इफ, मतलब जीरो एक्स प्लस वन का जो वाई मिलेगा तो माइनस वन मिलेगा, क्यों मिलेगा देखिए क्योंकि एक्स प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यहां से एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस वन मिल जाएगा, क्लियर हो गया होगा। आप देखिए लगाएंगे यहां बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही यहां लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा पी एक्स, तो यहाँ पी की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू कितना रखना है माइनस वन, क्या रखेंगे माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब मिल जाएगा प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा पी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब करेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो है पावर जो अगर आठ नंबर तो हमेशा नेगेटिव आता है, और यहाँ से आई यून नंबर चाहे कुछ भी हो लेकिन पावर का अगर आठ नंबर रहेगा तो नेगेटिव आएगा, माइनस वन प्लस वन ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको क्या जीरो मिल जाएगा, ये आपका हो गया जीरो रिमाइंडर थ्योरम से कितना मिल गया जीरो, ये हो गया रिमाइंडर रिमाइंडर थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो मिल गया। इस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम यूज करके आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ का आसानी से सॉल्व हो गया और बड़ा मेथड है तो आप दोनों को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जब तक आपको यह ना कहा जाए कि रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करिए ठीक ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट सेकंड देखेंगे, इसमें क्या है फाइंड द रिमाइंडर, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना चाहिए, तो यहाँ आप डिविजन मेथड भी लगा सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम आपको डिविजन मेथड बताएंगे, उसके बाद जो है आपको रिमाइंडर थ्योरम से भी बताएंगे। तो देखिए दोनों मेथड देख लीजिए, यहाँ सॉल्व राइट कर लेंगे और काफी भी करते हो तो आप किसी एक मेथड का यूज कर सकते हैं, उन दोनों मेथड से किसी एक का करिए या दोनों मेथड का यूज करिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा दोनों मेथड आपको आ जाएगा। देखेंगे तो ये है आपका क्वेश्चन, आप पहले ये देखेंगे डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड आपका डिवाइडेंड जो है टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ए, और आपका डिवाइडर जो है डिवाइडर जो है एक्स माइनस वन है, क्यूबलेट आपको क्यूबलेट में है इसको निकालना पड़ेगा आपको, इसके बाद रिमाइंडर अपने आप मिल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ बाई डिवीजन है, बाई डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, डिवीजन मेथड है क्या तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं, ये आपका है एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें डिवाइड किससे करना है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से इसमें हमें डिवाइड करना है। चलिए हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस वन से, तो यहाँ पहले जो नंबर देते हैं
हमें हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि पहला वाला वेरिएबल मिल जाए, जैसा है वैसा ही मिले, इसके नीचे से वैसा ही मिले, इसमें ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करिए कि हम पहला वाला वेरिएबल मिल जाए। बाद वाला मिले या मिले तो नहीं मतलब, लेकिन फर्स्ट वाला मिलना चाहिए। हम यहाँ x की पावर अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ 3 या 1 दोनों मिलकर जो x पावर 4 मिल जाएगा। चलिए x पावर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x पावर 4 हो गया। अब इसमें किए कितने भी आपका मल्टीप्लाई करना मजबूरी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो माइनस x पावर 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस का सिंबल यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। x क्यूब नीचे वाले साइन को कंसिडर करते हैं, x क्यूब यहाँ भी है, x क्यूब यहाँ, दोनों प्लस साइन में है तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सॉरी 2x क्यूब हो जाएगा और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर को कॉपी कर लेंगे। अभी डाउट होगा नहीं, आप देखिए यहाँ कोई ऐसा वेरिएबल लेते हैं जबकि इसमें मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर को कॉपी किए हैं। यहाँ कोई ऐसा वेरिएबल लीजिए, वेरिएबल लेंगे तो हम यहाँ 2 लाना है तो हम 2 ले लेते हैं, इसके पहले प्लस लाना है प्लस ले लेंगे, x क्यूब लाना है x ही है, यहाँ x स्क्वायर लेते हैं, 2x स्क्वायर का पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब 2x स्क्वायर का करेंगे 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब और 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस सिंबल करके यहाँ माइनस आ गया। आप देखिए दोनों के साइन को चेंज करेंगे, दोनों के साइन को चेंज करेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स प्लस वन को कॉपी करेंगे, एक्स प्लस वन को कॉपी करेंगे। अब यहाँ हमको लाना क्या है, देख रहे हैं पहला हमें एक्स लाना है तो एक्स यहाँ है तो हम वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे मिलेगा क्या एक्स माइनस वन और यहाँ साइन चेंज कर लेंगे, साइन चेंज जैसे ही करेंगे यहाँ माइनस लगाएंगे यहाँ प्लस लगाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों दूर जाएगा एड नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ आपका रिमाइंडर जो मिल गया वो 2 मिल गया, रिमाइंडर जो आपका मिला वो आपका कितना मिल गया 2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखेंगे अब आपको ये डिटेल में तो आया होगा सामने, इसके बाद अब इसके बाद आपको देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम भी देख लेंगे। चलिए रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं, ये यहां पहले लाइट कर लेंगे सॉल्व, तो आपका जो पीएस इस पर पीएस आपका एक पॉलीनोमियल का इक्वेशन है जिसको आप पीएस रिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद यहां लिखिए डिवाइडर, डिवाइडर जो आपका है वो एक्स माइनस 1 है, जीरो दा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का जो जीरो होगा वो 1 होगा। देखिए कैसे होगा, सिर्फ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको 1 मिलेगा कितना इज 1, जीरो एक्स माइनस 1 इज 1 1 मिलेगा। तो तब क्या करेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको कहता है कि p माइनस माइनस में 1 रखना है, p की वैल्यू कितना रखना है 1 रखना, 1 इक्वल टू जहां जहां वेरिएबल्स हैं वहां वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 पावर 3 माइनस 2 1 पावर स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1। देखेंगे 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 होगा और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 1 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 और प्लस 2
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा आपका क्या, यही बताया का आंसर। तो हमने आपको डिविजन मेथड से भी बता दिया और इसी मेथड से बता दिया, दोनों मेथड का आंसर वही आ गया, सेम गया। तो दूसरा पार्ट भी इसका काम हो गया। अब तीसरे पार्ट को देखेंगे कि तीसरा पार्ट है क्या, उसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा उसको देखेंगे क्या। तो थर्ड पार्ट इसका है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एस क्यू प्लस एस इक्वल प्लस सिक्स एक्स माइनस एट, आपका बी एक्स नहीं सिक्स एक्स है, सी एस सिक्स एक्स माइनस एट। तो इसमें ऐसा कहा तो नहीं है रिमाइंडर टेबल को सॉल्व करिए, तो आप डिविजन मेथड भी लगा सकते हैं। पहले आप डिविजन मेथड को देखेंगे कि डिविजन मेथड को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो डिविजन मेथड है क्या, देखें पहले हम देखेंगे कि आपका रिमाइंडर क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, तो डिवाइडेंड क्या है। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू, डिवाइडेंड इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, क्यूटियंट इसका क्यूटियंट जो है अनून हिंदा याद नहीं। इसके बाद डिवाइडर जो है, आप डिवाइडर जो है, डिवाइडर इक्वल टू एक्स माइनस ए। इसके बाद रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखेंगे बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, तो बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय डिवीजन मेथड से होगा क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एक बार फिर से मैच करा लीजिए, देखें क्वेश्चन सही कि नहीं। आपका है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, क्वेश्चन आपका राइट है। इसमें डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पहला वाला जो वेरिएबल है मिलना चाहिए। तो पहला वाला वेरिएबल पाने के लिए यहाँ आप एक्स पावर टू ले जाएंगे, एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे तो एक्स पावर थ्री मिल जाए, एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे तो एक्स पावर यहाँ थ्री मिल जाए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। अब साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, नीचे वाले को कंसिडर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। फिर इसके बाद साइन को हम को ले जाएंगे, वो आपका टू टू, हमको टू ए चाहिए, तो यहाँ टू ए लेते हैं ताकि हमको टू ए मिल जाए। एक्स स्क्वायर चाहिए जहाँ एक्स ही है, एक एक्स को भी ले जाएंगे, एक एक्स ले जाएंगे, क्योंकि इसमें टू ए एक्स से जब इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा टू ए एक्स पावर एक, यहाँ एक पावर यहाँ, इसकी पावर टू हो जाएगी प्लस टू ए एक्स का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, माइनस टू ए स्क्वायर एक्स, ए पर स्क्वायर ए आया क्योंकि इसके पावर वन है, इसके लिए पावर वन है, मल्टीप्लाई होकर पावर टू हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ नीचे माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस यानी को प्लस लगा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और टू अब ये देखिए ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इसलिए ऐड नहीं होंगे क्योंकि इसके पास ए स्क्वायर, इसके पास ए स्क्वायर नहीं है, दोनों सेम होते तब ऐड हो जाता, लेकिन अब ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स एक्स। इसके बाद अब यहाँ हमको चाहिए टू ए स्क्वायर की, यहाँ ले जाते हैं टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर यहाँ एक्स मिल जाएगा आसानी से, टू ए स्क्वायर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे यहाँ हो जाएगा टू ए स्क्वायर एक्स माइनस टू ए क्यूब, टू ए क्यूब आप एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस लग जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिला क्या, सिक्स एक्स माइनस टू ए क्यूब,
6x माइनस 2a क्यूब, तो वहां जगह नहीं है तो यहाँ बगल में राइट कर लिया जा रहा है। ये हो जाएगा माइनस 2a क्यूब प्लस, तो पहले आपको वेरिएबल्स को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2a क्यूब। अब देखिए हमें लाना x है, 6x लाना है, यहाँ 6 ले लीजिए, यहाँ 6 ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6x, इसमें करेंगे ये हो जाएगा 6a। आप देखिए ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा आपका 2a क्यूब प्लस 6a, और यहाँ माइनस ए को कॉपी नहीं किए, माइनस ए को कॉपी कर लेंगे तो आपका प्लस का मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a क्यूब माइनस प्लस 5a, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अक्स मिलेगा वेरिएबल, ठीक ना, बस यहीं तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे रिमाइंडर में सॉल्व किया जाएगा, पहले आने के लिए या आपका पीएच इक्वल क्या है, पॉलीनोमियल का इक्वेशन क्या है, पीएच इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो आपका जो डिवाइडर है डिवाइडर इक्वल टू एक्स माइनस ए। आप ये देखेंगे जीरो क्या लिखता है, इसका जीरो मतलब रूट होता है, इसका जीरो एक्स माइनस ए ए, लेकिन कैसे ए मिलेगा, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो रख लेंगे, यहाँ एक्स इक्वल टू जो मिलेगा ए मिल जाएगा, माइनस ए हो जाएगा प्लस ए, ट्रांसपोज कर लेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। आप देखेंगे यूज करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए किस अब 9 का क्वेश्चन नेक्स्ट पे आपको बताया जाएगा, ठीक ना।